सोनाक्षी, गुड मॉर्निंग। And you match me, okay? Then you are full welcome. Okay, sir. According to this, you can adjust. Okay? You can start. Yes. So, bachcho, aaj then you will take the attendance. Yes, sir. I will take attendance. Okay. I will check your name also here. Sir, your voice is coming very low. Yes, sir. अब आ रही है? अच्छे से आ रही है अब? No, sir. No, sir. Okay. अब ठीक है? हाँ, यस, यू कैन यूज अ पोस्टर कलर ओनली एंड ऑयल पेस्टल पेंसिल कलर आल्सो यू कैन यूज। यस सर, ओके। ओके, 8 o'clock हो गया है और अटेंडेंस मैं देख लूँगा। इधर ऑलरेडी नाम मेंशन है, क्या कितने 32-33 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ओके, और आज का सबको पिक्चर दिख रहा है ना? ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा था, मैंने पहले बताया था, क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस अभी आ रही है तो हम लोग उसी के ऊपर आर्ट करेंगे अभी। और मैंने पहले से ही कुछ ड्रॉ किया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा और हम लोग टाइमली पूरा इन 45 मिनट्स हम पूरा इस कंप्लीट कर सकें इस ड्राइंग को। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लैंडस्केप में हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे बच्चों, लैंडस्केप में, सब सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, यस, ओके। इस आर्ट को हम लोग लैंडस्केप में ड्रॉ करेंगे सर। तो मैंने कुछ ड्रॉ किया है, एक सर्कल आपको दिख रहा है ये वाला, अभी मैंने इसको अभी निकाल के दिखा रहा हूँ। तो आपको इस तरह से ड्राइंग करना है, पहले से ड्रॉ करके रखना है। और अभी आप लोग ने नहीं किया होगा लेकिन अभी टाइम नहीं है, क्लास 45 मिनट्स की होती है, तो मैंने पहले से इसको ड्रॉ किया है। हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे ये इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर लिया है लाइटली, हालांकि ये पूरा कलर के नीचे चला जाएगा लेकिन मैंने इसको आप लोगों को शो करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर तुम लोग ड्रॉ करोगे कलर करने के बाद, इस पिक्चर को कलर करने के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों से बन नहीं पाएगा इतना ईजी में। तो पहले से ही इसको लाइटली ड्रॉ कर लेना है ताकि हम लोग जब लास्ट में इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखता रहे और तुम लोग उसके ऊपर पेंसिल से इसको, इस फिगर को पूरा जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहले कलर से। सर, हम क्या कर रहे हैं अभी? अभी आप लोग तुरंत यही सेम करना है, ये ड्रॉ पिक्चर जो है इसको छोड़ देना है अभी। पहले जो नीचे का पोर्शन है मैं बताता हूँ कैसे करना है, वैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले आप लोग लाइट ब्लू निकाल लेंगे, जो ड्राइंग शीट है उसको रख लेंगे लैंडस्केप में, और पेंसिल ले लेंगे, पेंसिल लेकर के लाइट ब्लू ले लेंगे, ठीक है? लाइट ब्लू जो कोबाल्ट ब्लू है वो ले लेंगे। और सबसे पहले ये देखिए, इसका मास्किंग टेप से माउंटिंग कर देंगे पहले, और ये एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये इस तरह से एक ड्रॉ करेंगे और एक इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये दो पोर्शन हम लोगों ने
लाइंस मारिए इस तरह से, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। और ये जो लाइंस है, ये लाइंस मैं भी इरेज कर रहा हूँ इसको। लाइंस जो है वो क्रिसमस ट्री की लाइंस है, वो हम लोग बाद में लास्ट में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली आप लोगों ने। ये जो लाइंस है, ये जो दिख रही है, मैं इरेज कर रहा हूँ। ये लास्ट में कलर के बाद हम लोग इस पर ट्री बनाएंगे। ये तो इस तरह से ये दो लाइंस हमने बनाई। अब मैं इस पे कलर स्टार्ट कर रहा हूँ लाइट ब्लू से। लाइट ब्लू जो कोबाल्ट ब्लू है वो ले लेंगे सब। तो यहाँ से ये लाइन जो दी है, ये वाला पोर्शन, ये देखिए इस तरह से लाइट ब्लू से, लाइट ब्लू का यूज करते हुए इस तरह से हम लोगों ने ये लाइट ब्लू लिया है, देखिए इस तरह से। और लाइटली इसको बिल्कुल लाइट लाइट इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। और नीचे अब ये जो नीचे का जो पोर्शन है, इस पर हम लोग थोड़ा डार्क चलाएंगे, डार्क ब्लू लेंगे थोड़ा सा इससे। ये इसका नाम है पर्शियन ब्लू, या उससे डार्क पोर्शन का जो कलर होता है वो हम लोग नीचे से लेंगे इस तरह से। इस तरह से डार्क ये लाइट रखेंगे, इस तरह से लाइट रखेंगे, यहाँ लाइट रखेंगे ऊपर और नीचे डार्क इस तरह से। यहाँ का पोर्शन जो है, यहाँ पर भी ये जो सेकंड पार्ट है इसका, इसका भी हम लोग थोड़ा सा लाइट रख, यहाँ से डार्क टू लाइट चलेंगे। यहाँ पे डार्क टू लाइट, ये डार्क टू लाइट हमने लिया इस तरह से। अब यहां हम लोग व्हाइट कलर का यूज करेंगे, तो व्हाइट कलर ले काल के ये ऊपर का पार्शन, ये जो पार्ट है इसको इसको पूरा व्हाइट से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। बिल्कुल व्हाइट लेंगे पहले, व्हाइट लेके पहले अप्लाई कर देंगे बढ़िया से। लाइट लाइट दिखना चाहिए ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा लाइट दिखना चाहिए इस तरह से। बिल्कुल लाइट मिक्सिंग कर देना है पूरा कलर को। टिश्यू पेपर का भी यूज़ करना है इसको मिक्सिंग के लिए। अभी पहले वाइट कलर को अप्लाई कर देंगे इस तरह से। ये मैंने पूरा अप्लाई कर दिया है। और ये सेकंड पार्ट जो है, ये पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट का जो यहाँ से स्टार्टिंग का जो हमने ड्रॉ किया था ऐसे, इसको भी हम लोगों ने इस तरह से इसको भी यहाँ मिक्सिंग कर देंगे। अभी हम टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर के थ्रू इसको पूरा अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, जितना लाइट हो सके। ये ऊपर का डार्क टू लाइट ये पोर्शन हमें शो करना है लाइट। और अभी हम टिश्यू पेपर लेके इसको मिक्स करेंगे। टिश्यू पेपर ले लेंगे और टिश्यू पेपर लेकर के इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। यहां पर आप लोग पोस्टर कलर भी यूज कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स में क्या करना है, डार्क ब्लू जो है, नेवी ब्लू यहां यूज कर लेंगे, उसके बाद यहां व्हाइट कलर मिक्स करके लाइट कलर बना करके यहां अप्लाई करेंगे और इसको मिक्सिंग कर देंगे अच्छे से, बिल्कुल ब्लेंड कर देंगे उसको। जहाँ पर भी मिक्सिंग होगा वहाँ अच्छे से लाइन नहीं दिखना चाहिए कि कहाँ मिक्स हुआ है, इस तरह से मिक्स करते हुए। तो पोस्टर कलर में भी इसको बनाया जा सकता है। जो हमारे पास है वाटर कलर्स पोस्टर में, उनको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस पेंटिंग को बनाने के लिए।
तो ये इस तरह से देखिए, ये डार्क है, देखिए ये पोर्शन डार्क है, ये यहाँ मिक्सिंग में कर रहा हूँ, ये पोर्शन है, डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, तो ये बिल्कुल शो करेगा एकदम से मिक्सिंग करते वक्त, ये इस तरह से बिल्कुल ये मिक्स कर दिया है मैंने, ये देखिए ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा। अब नीचे का पार्ट है, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग, जहाँ पर वाइट किया है उसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे इस तरह से, अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ये जिस जगह अभी यह वाइट था, यहाँ पर ब्लू था, तो यहाँ मिक्स, ये लाइन मिक्स बिल्कुल मिक्स करना है, एक दूसरे से दिखना नहीं चाहिए कि कहाँ से वाइट का स्टार्टिंग है या ब्लू का स्टार्टिंग है, बिल्कुल मिक्स कर देना है। इस तरह से इसको मिक्सिंग कर दिया है, तो ये अच्छे से अब मिक्स हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, ओके। अब ये नेक्स्ट, ये दोनों मिक्सिंग अच्छे से हो गया है, अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग, जो ऊपर का पार्ट है उसको करेंगे। अब जो मैंने एक वाइट सर्कल, आप लोग ड्रॉ कर लें कंपास के थ्रू, सर्कल को ड्रॉ कर लें, ठीक है, कंपास की तरह सर्कल ड्रॉ कर लें उसको, ऐसे भी एज इट इज़, ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर मैंने लगाया है तो आप भी लगाएंगे, आप लोग अभी इसको एक सर्कल ड्रॉ करके छोड़ सकते हैं, उस पर कलर जाएंगे थोड़े बहुत जाएंगे तो उसको वाइट कलर से मिक्सिंग करके अंदर हम लोग उसका भी एक मून का शेड देंगे। तो अगर किसी ने काट लिया है तो वो काट करके इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लें ताकि वो रिमूव किया जा सके। और मैं इसको अभी एक मास्किंग टेप से चारों कॉर्नर्स से थोड़ा सा चिपका रहा हूँ, हल्का सा पेस्ट कर देंगे मास्किंग टेप से, ताकि ये अंदर ज़्यादा डार्क कलर ना जाए, अंदर जो है डार्क कलर जो हम लोग अभी यूज करेंगे स्काई में ब्लू कलर जैसे होता है मून लाइट के अंदर, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे अभी, तो कुछ कलर्स अंदर जाएंगे, लेकिन उसको अगर आपके हाथ से भी जाते हैं तो जाने दीजिए, उसको वाइट कलर का मिक्स करके हम लोग उसको बराबर कर देंगे। तो अभी मैंने ये मास्किंग टेप चारों तरफ लगा के इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग पेस्टर कलर्स, अब क्योंकि वाटर कलर यूज़ करेंगे तो पक्का जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें वाइट कलर का यूज़ करके, अगर पोस्टर कलर के कलर्स चाहते हैं तो वाइट कलर का यूज़ करके मिक्सिंग करके इसको भी मून का सेट दे देंगे, क्योंकि पूरा वाइट तो नहीं रहेगा मून, अगर मून हम बना रहे हैं तो पूरा प्योर वाइट नहीं छोड़ेंगे ना उसको, उसमें थोड़ा लाइट का शेड होता है लाइट ब्लू का, तो उस तरह से हम लोग उसमें बाद में वाइट कलर का मिक्सिंग करके भी वो जो भी कमियाँ रहेगी अंदर कुछ पार्ट चला जाता है ब्लू का तो उसको मिक्स करके उस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो अब वापस हम लोग सेम कलर यूज़ करेंगे ऊपर लाइट ब्लू, और उसके बाद नॉर्मल जो डार्क ब्लू जो आपके पास अवेलेबल होगा नेवी ब्लू या कैरेबियन ब्लू वो हम यूज़ करेंगे। अब मैं लाइट ब्लू, ये जो मून है उसके आसपास इस तरह से और जो मैंने ड्रॉ बनाया है ड्राइंग कर रखी थी, आप कह रहे हैं कि आप सर हम क्या करें, देखिए वो ड्राइंग जो मैंने केवल आप लोगों को शो करने के लिए दी थी कि आप लोग अगर अभी बना रहे हैं साथ में तब तो ठीक है, वो ड्राइंग शो करने के लिए कि इस तरह की ड्राइंग होगी, ये इस तरह से चारों तरफ, वो ड्राइंग केवल दिखाने के लिए, अभी वो सब कलर के नीचे चली गई है, देखिए सब कलर के नीचे हाइड हो गई है,
इस तरह से पूरा हम लोग पहले लाइट ब्लू हमने यूज कर लिया है, इस तरह से लाइट ब्लू इस मून के चारों तरफ। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा वाइट वाइट यूज करेंगे। अब वाइट मिक्स वाइट करके इसको मिक्सिंग का शेड देंगे। तो इस तरह से ब्लू कलर को अप्लाई करो ताकि मिक्सिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे, अच्छे से जो वाइट स्पॉट्स है उसको भी मिक्सिंग में टाइम लेता है, टिश्यू पेपर के थ्रू या कॉटन क्लॉथ या किसी भी पेपर से अगर साथ यूज़ करेंगे तुरंत मिक्स हो जाएगा। अभी मैं वाइट कलर, ये वाइट कलर मैंने लिया है लाइट ब्लू के बाद, तो मैं अभी इसके ऊपर ऐसे इस तरह से मैंने अप्लाई किया है वाइट कलर, लाइट ब्लू देन वाइट कलर। ये देखिए सिंपल है, अभी स्टार्टिंग है। ये हमने यहाँ पर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का मिक्सिंग किया, फिर वाइट कलर का यूज करके लाइट यहाँ लाइट्स दिखाई, यहाँ इस जगह लाइट दिखाई। और ज़्यादा लाइट दिखाना है तो वाइट कलर का यूज ज़्यादा कर सकते हैं इस पार्ट में। ये टेपर जो होता है उसको हम लोग हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से। और यहाँ पर भी हम लोग जो मून है, मून ज़्यादा लाइट रहेगा उसके आसपास लाइट ब्लू को वाइट कलर से मिक्सिंग करते हुए। ये मैंने वाइट कलर लगा दिया है। अब इसके आसपास के पार्ट में हम लोग डार्क ब्लू यूज करेंगे। केरेलियन ब्लू, ये कैरेलियन ब्लू। अभी इसका इस तरह से नेवी ब्लू, कैरेलियन ब्लू, इस तरह से बहुत सारे कलर्स के नेम्स हैं। तो डार्क कलर जो भी अवेलेबल है आप लोगों के पास वो यूज़ करेंगे। इस तरह से मैंने देखिए वाइट मून है, वाइट मून के आसपास लाइट ब्लू पर वाइट मिक्स किया है, फिर उसके बाद डार्क ब्लू इस तरह से और डार्क कर देंगे ताकि मिक्सिंग में टाइम ना लगे। वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं, वाइट स्पॉट्स इस तरह से। आप बच्चों आप ये जो पेस्टल कलर्स है इसको आप इस तरह के पोर्शन में यूज मत करिए, आप इस तरह से यूज करिए इस तरह से, तो जल्दी अप्लाई होगा कलर। इस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ इस तरह से, ये इस तरह से पूरा रखने से पूरा अच्छे से लाइनिंग्स नहीं आएगी और कलर अच्छे से अप्लाई होगा और तुरंत मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको टिश्यू पेपर क्लॉथ से या इससे मिक्स करेंगे। और मैंने कलर वाइट कलर भी लगाया है। अभी पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाइट से। ये इस तरह से मैंने मून का जो पार्ट है उसके आसपास इस तरह से मिक्सिंग किया है। देखिए तरह से टिश्यू पेपर नहीं है तो क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ का यूज कर सकते हैं, अदर पेपर्स का यूज कर सकते हैं। पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे धीरे धीरे, इतना फास्ट नहीं करना है। जो बच्चे फास्ट करेंगे तो वो थोड़ा इतना अच्छा क्लियर नहीं बन पाएगा और मिक्सिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इतना फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं है, आर्ट को आराम से बनाया जाता है। ज़्यादा फास्टली चलेंगे तो आर्ट का वर्क जो है बिल्कुल अच्छा सा शेडिंग्स वगैरह सब कुछ अच्छे से नहीं आएगा। तो आप लोग हमेशा इसको आराम से बनाने की कोशिश कीजिए, मिक्सिंग भी आराम से कीजिए, डोंट डू फास्ट। इस तरह से मिक्सिंग कर लेंगे।
कुछ वाइट कलर का भी यूज करना है बीच बीच में, क्योंकि मिक्सिंग में वो हेल्प करता है वाइट कलर। थोड़ा डार्क ब्लू वापस मैं यूज कर रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि इसके आसपास हमें डार्क रखना है। मून से हमें लाइट टू डार्क चलना है, मून का जो पार्ट है, मून का जो पार्ट है उसके आसपास से हमें लाइट टू डार्क चलना है चारों दिशाओं में। तो हम लोग वापस हल्का सा लाइट ब्लू यूज कर रहे हैं, अब इसको वापस मिक्स करेंगे। ताकि ये डार्क रहे इस तरह से। अच्छे से मिक्स करते हुए, ताकि लाइट टू डार्क हमें एक मून से लाइट टू डार्क हमें पूरा दिखे। ये पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। अब ये वाला पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट जो है हम लोग करेंगे मिक्सिंग। बच्चों इसको कंप्लीट जब आप बना लेंगे तो क्लासरूम पे इसको सेंड भी करना है एज ए एविडेंस प्रूफ। ये हमने अच्छे से, ये वाला पार्ट भी अब लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत वाइट का हम यूज करेंगे ताकि और लाइटिंग हम शो कर सकें। थोड़ा बहुत वाइट वापस मैं यूज कर रहा हूँ ताकि ये मून जो है, मून का आसपास का पार्ट थोड़ा सा लाइट शो हो हमें। अब वापस इसको हल्का सा लाइटली लाइटली हम वापस मिक्सिंग कर देंगे। बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग हल्का सा लाइटली जो है ब्लैक यूज करेंगे, और ब्लैक नहीं है तो आप लोग डार्क ब्लू, जो सबसे ज्यादा डार्क शेड निकाले वो डार्क ब्लू हम लोग यूज कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें यूज कर रहा हूं पर्शियन ब्लू, जो सबसे डार्क होता है लगभग पर्शियन ब्लू। ये मैंने पर्शियन ब्लू यूज किया है सबसे ज्यादा डार्क। ये इस तरह से मैंने इस पार्ट में पर्शियन ब्लू यूज किया है, और इसको भी वापस हम लोग मिक्स करेंगे इस पार्ट में। और ये जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर भी हल्का सा हमने
लाइटली पर्शियन ब्लू यूज किया, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा लिया, यहाँ पर हल्का सा ये पार्ट, ये इस तरह से हमने डार्क शेड दिया है लास्ट में, और इसको भी हल्के से मिक्स कर देंगे लाइटली लाइटली अच्छे से, पर मिक्सिंग अच्छे से होना चाहिए इस तरह से। और ये वाला पार्ट जो है ये भी हो गया, ये वाला पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा सा हम मिक्स कर देते हैं। ये डार्क शेड दिया है ताकि, मैंने बोला पहले भी लाइट टू डार्क हमें जाना है, ये इस तरह से हो गया। इसको ब्लॉक मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल ब्लेंड कर देना है, जहाँ पर भी जॉइंड हो रहा है दोनों कलर, जहाँ जॉइंड हो रहे हैं वहाँ बिल्कुल ब्लेंड कर देना है, मिक्स कर देना है। तो ये वाला पार्ट हो गया है लगभग, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए, अब ये मून मैं आटा निकाल रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ये जो पेपर जो मैंने लगाया है इसको मैं निकाल रहा हूँ। अभी इस पे भी फिनिशिंग हमें देना है नीचे, और क्योंकि इसको अच्छे से लगाना है नहीं तो, ठीक है, मैंने ये रिमूव कर दिया। अभी यहाँ कुछ कुछ डैमेजेस है, उसको हम रिमूव रिपेयर करेंगे वाइट कलर के थ्रू। वाइट कलर ले लेंगे और उसके आसपास हम लोग इस तरह से सर्कल को अच्छे से कर देंगे। और अंदर हम लोग एक बार हल्का सा लाइट शेड देंगे वाइट ब्लू का, वाइट ब्लू, वाइट और लाइट ब्लू दोनों का मिक्सिंग शेड देंगे इस तरह से। ये मैंने लाइट लाइट लगा दिया बीच में, अब इसको मिक्सिंग कर देंगे वाइट कलर से। और ज़्यादा लाइट रखना है, मून ज़्यादा ब्लू नहीं होता है, ज़्यादा लाइट नहीं होता है, तो उस तरह से हम लोग इसको बिल्कुल वाइट कलर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वाइट कलर का यूज करते हुए ये जो हमने लाइट ब्लू लगाया है उसको अच्छे से मिक्स कर,
ये अंदर जो ड्राइंग है जब बनाओ तो उसको हल्का सा लाइट लाइट कर देना है इरेजर से, नहीं तो वो वाइट कलर के साथ मिक्स करके या ब्लू कलर यूज़ करेंगे तो वो पूरा डार्क ब्लैक शेड आ जाएगा। तो आप लोग आराम से इसको लाइटली कर सकते हैं ड्राइंग को। अभी मैं इसमें वाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ये वाइट वाइट के साथ लाइट ब्लू, तो बिल्कुल लाइट हमें मून शो करना है। तो मैं वाइट का मिक्सिंग अच्छे से होना चाहिए इसके ऊपर भी। और आप लोग वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं तो। इस तरह से अब मैं इसको टिश्यू पेपर से या क्लॉथ से आप लोग मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाइट ब्लू से मैं इसका आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए। तो अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। मून के आसपास लाइट ब्लू, फिर से वाइट कलर जो है हम लोग शेड दे रहे हैं, लाइट बिल्कुल लाइट। इस तरह से और उसको थोड़ा सा लाइटली मिक्स कर देंगे। टिश्यू पेपर को हमेशा साफ यूज़ करना है। अगर टिश्यू पेपर वापस आपने ब्लू वाला ही यूज़ किया, वापस दूसरे कलर का यूज़ किया तो फिर वो कलर को गंदा कर देते हैं। तो हमेशा एवरी टाइम यू विल टेक न्यू टिश्यू पेपर। ये शेड हो गया है अंदर मून का शेडिंग। अब हम लोग इसके अंदर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले से अगर आपने ड्रॉ किया है तो कुछ फिगर्स दिख रहे हैं, और नहीं किया है तो आप लोग बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ ये जो बिल्डिंग्स हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हम बनाएंगे इस तरह से। तो
ये पेंसिल 10 GB पेंसिल मैंने कल भी बताया था, 10 GB पेंसिल का यूज करते हुए इसको बनाना है। सर चारकोल पेंसिल से बना सकते हैं? चारकोल से भी बना सकते हैं, पर चारकोल क्या होता है ना, उतना फिनिशिंग नहीं आएगा, चारकोल मोटा होता है। अगर पेंसिल का निब होता है तो उससे, देखो अभी ये पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें फाइन फिनिशिंग अच्छे से आएगी। चारकोल जो है चौक जैसा रहेगा ना, वही यूज़ करोगे। सर ठीक है, सही है वाली। क्योंकि चारकोल से लाइंस ब्रेक होगी। तो ये एक फिगर्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, इनको पूरा ब्लैक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा पेंसिल पेंसिल का ही यूज़ करना है, कलर्स का यूज़ नहीं करना है इसके अंदर, ब्लैक पेस्टल कलर पेंसिल से ही वो पूरा ब्लैक हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से पूरे बिल्डिंग्स को हम लोग ब्लैक पेंसिल से, जो 10 GB और 8B की भी होती है, 10B की भी होती है, वो सब डार्क पेंसिल से, ग्राफिट पेंसिल से इनका यूज़ करते हुए पूरा ब्लैक कर देना है। तरह से बढ़िया से ब्लैक कर देना है, ब्लैक को अच्छे से यूज़ करना है। मिक्सिंग भी उसका पूरा पार्ट जो है अच्छे से दिखना चाहिए, एक भी वाइट स्पॉट्स नहीं छोड़ना चाहिए जब कलर यूज़ कर रहे हैं ब्लैक। तो ये पार्ट हो गया, अब मैं दूसरा पार्ट यूज़ करूँगा। अब जो ऊपर की जो ड्राइंग्स है उनको फाइनल करेंगे। ये
ये इस तरह से पेपर रख लेने से नीचे का पार्ट खराब नहीं होगा। और अब ये जो एनिमल्स है इनको पूरा ब्लैक्स ये फेस बनाया, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ब्लैक पेंसिल से ही, पेस्टल कलर का यूज़ नहीं करना है, पेंसिल से ही करना है, इससे वो फिनिशिंग अच्छे से आएगी। दूसरा तीन एनिमल से ये तीनों बनाने हैं हमें। ये लास्ट वाला है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसको। ये फाइनल है लगभग, कुछ फाइनल टचिंग्स हम लोग देंगे बस। ओके, ये हो गया, अब सेंटा बनाएंगे लास्ट में। सेंटा यहाँ सेंटा है, ये इस तरह से सेंटा, सेंटा का केप, कैप हो गया, ये हैंड है, पूरा ब्लैक यूज करना है। ये इस तरह से ब्लैक यूज किया, सेंटा बन गया। सेंटा का ट्रॉली, ये जो एनिमल्स खींच रहे हैं तो इसको, ये ट्रॉली, ट्रॉली के व्हील्स इस तरह से,
सर लास्ट में एक बार सीधा करके दिखा देना। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल होने के बाद मैं एक पिक्चर भी पूरा शो करूँगा, ठीक है, और इसका फाइनल पिक्चर भी मैं पोस्ट करूँगा, और यूट्यूब पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी ये लाइव चल रहा है अभी, तो यूट्यूब स्कूल का जो रहेगा उसके ऊपर भी हम लोग इसको फाइनली जो है शो करेंगे, अपलोड हो जाएगा कल तक अपलोड हो जाएगा, कर हाँ यूट्यूब पे कल तक अपलोड हो जाएगा बच्चों, तो उस पे भी आप लोग इसको फिर बाद में देख करके ड्रॉ कर सकते हैं जिस। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी कैमरा मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगा बच्चों अभी, है ना, देना। यस यस, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं इसको पोस्ट करूंगा, ठीक है बच्चों। अटेंडेंस हो रही है बच्चों, अटेंडेंस लास्ट में करेंगे, हो जाएगी अभी। तो अब हम लोग इस कुछ फाइनल टचिंग्स है, कुछ ट्रीज भी है वो मैं तुरंत बना देता हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं स्केच, ये इस तरह से लाइंस लेके स्केल का यूज करके क्रिसमस ट्रीज। स्केल का यूज करके पहले लाइन सीधी ले लेंगे और यस। तो अब यहाँ क्रिसमस ट्रीज जो है वो मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आप लोगों को क्लास है बच्चों, नेक्स्ट क्लास अभी कितने बजे है? सर 9 बजे। 9 बजे ओके, हो 9 बजे ओके, फिनिश हो जाएगा, बस बस 9 बजे, बस विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर ये फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। ये क्रिसमस ट्रीज क्योंकि टाइम नहीं है मुझे, फास्ट बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्रिसमस ट्रीज बन जाएंगे, अभी हम लोग व्हाइट जो व्हाइटनर है करेक्शन पेन है उससे लाइटिंग देंगे, फाइनल वही है इस ट्रीज के बाद वही नंबर है, बस फाइनल टचिंग हो जाएगा उसके बाद, जैसे हम लोग व्हाइटनर से कुछ स्टार्स कुछ जगह पर इस बिल्डिंग्स में भी कुछ लाइटिंग शो करेंगे उससे, तो उससे वो लुक एकदम से निकल के आएगा इसका। मैं पेड़ अभी ऐसे ही बना रहा हूँ, उसको फाइनल बाद में भी कर देंगे, पहले वो एक फाइनल टचिंग जो है उसका लाइटिंग वाला वो मैं आपको शो करूँगा कैसे करना है, तो ट्रीज को तो फाइनल बाद में भी हम लोग करेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम है आप लोगों के, तो मैं इसको थोड़ा सा जितना इस तरह से हाँ बच्चों जैसे भी परमिशन मिलती है मैं लेता रहता हूँ, क्योंकि इस अभी बिजी शेड्यूल है सबका, तो अभी भारती मैडम नहीं आ रहे हैं तो उस जगह रिप्लेस में मुझे क्लास मिली है, ठीक है। सर इसे हमें गूगल क्लासरूम में भेजना है। यस यस, गूगल क्लासरूम में भेजना है बच्चों, मुझे सेंड कर देना है। तो अभी तो मैं ये ट्रीज अभी ऐसे छोड़ रहा हूँ, इसको फाइनल और भी हम लोग देंगे सेडिंग्स में, अभी मैं केवल अब तुम्हें फाइनल वाइटनर से करेक्शन पेंसिल का हाँ कैसे सेडिंग देना है वो मैं कर देता हूँ। और सर आप इसको असाइनमेंट भेजोगे कि हमको ऐसे ही आपको पिक्चर दे देना है? नहीं, ये पिक्चर सेंड कर देना बच्चों, बस ड्रॉ करके। अगर आप असाइनमेंट दे दोगे तो हम गूगल क्लासरूम पे सेंड कैसे करेंगे?
यस ओके ठीक है, मैं असाइनमेंट कर रहे दूंगा। क्या सर? ओके ओके ठीक सर, असाइनमेंट भेज देना। ओके बच्चों, इस तरह से स्टार बना देंगे, इस तरह से वाइटनर का यूज करते हुए ये। वाइटनर का यूज करते हुए और ये जो बिल्डिंग्स है देखिए बच्चों, इस पे बिल्डिंग्स पे हम लाइटिंग कैसे शो करेंगे देखिए। इस तरह से डॉट 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 शो लगा करके हम लोग इस पे बिल्डिंग्स में लाइटिंग शो करेंगे। अब मैं फाइनली इसका ट्रीज को फाइनल कर देता हूँ। और मैं ये देखिए, ये इसका जो मैंने टैपिंग इसका किया हुआ है वो टैपिंग मैं रिमूव कर रहा हूँ ये इस तरह से। और सर आपने कौन सा टेप लिया है, मेडिकल टेप? हाँ मेडिकल टेप बच्चों, ये मास्किंग टेप जिसे बोलते हैं। पेपर टेप भी तो आता है सर। हाँ पेपर टेप बिल्कुल वही यूज करना है। मैंने तो सेलो टेप यूज किया है, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है सेलो टेप को भी एक्चुअली। वो ज़्यादा सीट को जो 1 इंच 1/2 इंच वाली जो सेलो टेप होती है ना वो यूज कर सकते। यस यस, इसलिए उसको यूज नहीं करना है। पहले मैंने उसका ग्लू रिमूव किया है, उसके बाद मैंने उसको यूज किया है सेलो टेप को। तो सेलो टेप को ग्लू कैसे रिमूव किया? पहले कहीं पर भी उसको पेस्ट कर दो बच्चों, किसी भी हाँ उड़न पर पेस्ट कर दो और उसको रिमूव कर लो एक बार किसी भी उड़न बोर्ड पर। जैसे मैं ये उड़न बोर्ड है, उड़न बोर्ड पर उसको लगा करके रिमूव कर लो तो हल्का सा उसका जो ग्लू है वो रिमूव हो जाता है और फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ ओवर है ऑल कंप्लीट। 1.5 2-3 मिनट्स ओनली। ठीक है बच्चों, ये देख लो, अभी ये फाइनल मैं करके इसको तुरंत आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा मैं इसको। तो इस तरह से ट्रीज जो है, ट्रीज अभी बाकी है, ट्रीज हम लोग फाइनल कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए लाइटिंग, ओके ये लाइट्स मैंने करेक्शन पेन से दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। और ट्रीज में अभी कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्लास है तो उसके बाद मैं ट्रीज को कंप्लीट करके मैं आपको पूरी ड्राइंग पोस्ट करता हूँ। ओके थैंक यू। ऊपर कर देना। यस ओके, देखो ट्रीज अभी बाकी है, ट्रीज को हम लाइक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसको कंप्लीट करके मैं पोस्ट करता हूँ अभी ग्रुप में। ये ट्रीज को जो है, हाँ बोलो सर, यूट्यूब में कब आएगा? यूट्यूब में भी आ जाएगा अभी। ठीक है ओके सर, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ओके ओके, गुड बाय।